हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ही फ्रेम में फ्रेंच नॉट की वेरिएशंस बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्रेंच नॉट क्या होता है, फ्रेंच नॉट किसे बोलते हैं और उसको कैसे वर्क किया जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत ही अहम स्टिच है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एंकर का थ्रेड यूज करूंगी, 6×6 स्ट्रैंड से ही वर्क करूंगी। तो सबसे पहले हम ये जो राउंड बनाया है इसके बीच में फ्रेंच नॉट के साथ फिलिंग करेंगे। हम सबसे पहले सेंटर में एक फ्रेंच नॉट बनाएंगे। फ्रेंच नॉट बनाना बहुत इजी है, आप अगर इसको सिस्टमेटिकली सीखेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। इस थ्रेड को हम इसके ऊपर रैप करेंगे नीडल पे और इसके बिल्कुल पास यहां पे इसको टकिंग कर देंगे, इसे यूं आप अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसको आहिस्ता से खींचेंगे क्योंकि अगर नॉट नीचे चला जाएगा तो का स्टिच नहीं बनेगा। ये देखिए, अगर हमने इसको उभार देना है थोड़ा सा तो हम इसको डबल रैप भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने सेंटर में एक लिया था, अब मैं डबल रैप ले रही हूं। ये भी सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे, इस थ्रेड को खींच लेंगे, उतना खींचेंगे कि आपका जो यहां पे कर्ल बन रहा है वो बिल्कुल सिमेट्रिक हो। ये देखिए, आराम से वर्क करेंगे। ये सिंगल रैप के साथ छोटा नॉट बना है, ये डबल रैप के साथ थोड़ा सा बड़ा नॉट बना है। तो आप अपनी एम्ब्रॉयडरी की डिमांड के हिसाब से रैप को सिंगल या डबल कर सकते हैं। सिंपली आपने इस थ्रेड को यूं अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ लेना है और ऐसे इसको डबल रैप करना है और इसके बिल्कुल क्लोज आपने इसको पुश करना है नीचे को नीडल को, लेकिन उससे पहले आपने इसकी जो स्ट्रेच है उसको प्रॉपर लेना है। बहुत जोर से भी नहीं खींचना और बहुत लूज भी नहीं खींचना। तो ये देखें, इसको आप आहिस्ता से खींचेंगे तो ये बहुत अच्छा नॉट बनेगा। कभी भी आपका नॉट गलत नहीं बनेगा, ना ही नीचे की तरफ जाएगा। इसको आप आराम से नीचे की तरफ ले जाएंगे। जब भी यहां पे थ्रेड्स इकट्ठे होने लगते हैं तो नॉट खराब हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके थ्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें, आराम से नीचे की तरफ जाएं। ये देखें कितना ब्यूटीफुल फ्रेंच नॉट बना है। मैं इस पूरी स्पेस को इस फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर लूंगी। आप यूं छोटे छोटे फ्लावर स्कैटर्ड मोटिफ में भी डाल सकते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर थोड़ा बड़ा फ्लावर करना है तो आप एक राउंड और ले सकते हैं। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुली वर्क हुआ है। इसे सरफेस फिलिंग विद फ्रेंच नॉट भी बोलते हैं। आप किसी भी शेप को इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे रिंग नॉट। रिंग नॉट भी फ्रेंच नॉट को ही एक वेरिएशन है, जिसे छल्ला वर्क भी बोलते हैं। उसमें हम ये जो हमारे लूप्स हैं इनको लूज रखते हैं। हमने डिफरेंट कलर लिया है ताकि इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे फ्रेंच नॉट और छल्ला वर्क में। छल्ला वर्क में भी आप दो रैप ले सकते हैं, मैं ये टू रैप्स लूंगी। इन टू रैप्स को लेने के बाद इसके बिल्कुल पास यहां पे ऊपर इसको मैंने अब टकिंग करनी है। अब ये जो लूप्स हैं ये मुझे कितनी बड़ी छोटी चाहिए उसके हिसाब से ही इस थ्रेड को खींचूंगी। अगर मुझे ये बिल्कुल टाइट कर दूंगी तो फ्रेंच नॉट बन जाएंगे। तो छल्ला वर्क में लूप्स जो हैं वो दिखाई देती हैं जैसे छल्ले होते हैं, तो इसलिए इसको हम थोड़ा लूज ही छोड़ के यूं मैं इसको पकड़ लूंगी। ये देखें मैंने इसको इतना लूज रखा और इसको यूं पकड़ लिया और फिर मैं इस नीडल को आहिस्ता से नीचे ले जाऊंगी। ये देखिए, और इस थ्रेड को मैं थोड़ा जोर से खींचूंगी क्योंकि दोनों मैं पास पास बनाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा इनका डिफरेंस। इसलिए मैं इसकी आउटर लाइन जो है वो लूज फ्रेंच नॉट या रिंग नॉट या फिर छल्ला स्टिच के साथ वर्क करूंगी। फिर से मैं डबल रैप लूंगी और इसको इसके ऊपर यहां पे यूं टकिंग करनी है। ये देखिए मेरे अभी ये रैप्स लूज हैं, मैंने इनको खींचा नहीं है इस थ्रेड को, तो इसको मैं यूं पुश कर दूंगी नीचे की तरफ
जितने लूज चाहिए मेरे को, जितना बड़ा चाहिए उतने लूज मैं इसको यूं अपने थंब के साथ पकड़ के आहिस्ता से नीडल को नीचे को निकाल लूंगी। एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस से आती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको, ये देखें मैंने 2 रैप्स ले लिए, अब इसको इसके पास यहां पे यूं इसको मैं डालूंगी। डालने के लिए ये जो रैप्स लिए हुए हैं इन रैप्स को लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे, मैं थ्रेड को नहीं खींच रही ना, ये देखें ये लूज आ रहे हैं रैप्स, और इसको मैं यहां पे ऐसे पकड़ूंगी और इस थ्रेड को ऐसे खींच लूंगी। ये देखें ये कितने बढ़िया छल्ले बन रहे हैं। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्रेंच नॉट और रिंग नॉट में क्या फर्क है। है दोनों ही एक जैसे हैं, सिर्फ स्टिच को खींचने का एक आर्ट है। आपने पहले तो बहुत टाइट खींचे थे ये लूप्स जो हैं, जब मैं इसको नीचे डालती थी तो इस थ्रेड को जोर से खींच लेती थी, ठीक। अब मैं इसको नहीं खींच रही, सिर्फ मैं इसको यूं 2 रैप्स लेके और इसको इसके बिल्कुल पास यूं आहिस्ता से, ये देखें उतना खींचूंगी जितना जरूरी है, ये देखें बस, ज्यादा नहीं, ताकि ये लूज रैप्स जो है वो दिखाई दें। बस इसी तरीके से मैं इसके चारों तरफ वर्क कर लूंगी, एक लाइन दो लाइन जितनी आपको चाहे उतना आप वर्क कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों स्टिचेस कितने क्लियर नजर आ रहे हैं। अब हम फ्रेंच नॉट की एक और वेरिएशन सीखेंगे जिसे हम चेन्ड फ्रेंच नॉट बोलते हैं। फ्रेंच नॉट बनाते हैं और उसको चेन कर देते हैं। तो ये देखे मैंने इसके लिए एक फ्लावर बनाया है। सबसे पहले हम फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। इस थ्रेड को मैंने खींच लिया और ये फ्रेंच नॉट बन गया। अब हम इसे चेन करेंगे। थोड़े डिस्टेंस पे हम इसके बेस पे हम यूं नीडल निकाल लेंगे और इसको हम यूं चेन कर लेंगे। ये देखिए थ्रेड को चेन स्टिच की तरह इसके ऊपर से घुमाएंगे और इसको हल्के हाथों से खींचेंगे। आप डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं फ्रेंच नॉट एक कलर के, और दूसरे कलर से आप यूं चेन कर सकते हैं, और भी सुंदर इफेक्ट आएगा। फिर हम सेकेंड फ्रेंच नॉट बनाएंगे। और इसको चेन करेंगे। इफेक्ट के लिए हम इसको हल्के हाथों से खींचेंगे, बहुत जोर से नहीं खींचेंगे। हमें फ्रेंच नॉट भी दिखनी चाहिए और इसके चारों तरफ जो लेजी डेजी स्टिच किया है वो भी दिखना चाहिए। यस। आप वेरिएशंस कितनी भी कर सकते हैं एक स्टिच की। अगर आपको स्टिच अच्छे से बनाना आता है आप उसको बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं, उसके साथ कुछ और स्टिचेस कंबाइन करके उसको और भी ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं, जैसा कि मैंने ये चेन्ड फ्रेंच नॉट स्टिच बनाया है। आप 5 पेटल, 3 पेटल, 7 पेटल, कितना भी बड़ा फ्लावर बना सकते हैं, डबल लेयर पेटल्स, कैसे भी इस स्टिच को यूज करके बना सकते हैं। ये देखिए मैंने 5 पेटल्स बनाई हैं, यहां पे मैंने 3 बनाई हैं। इसके बीच में एक फ्रेंच नॉट लगाया है। इसमें हम ज्यादा भी लगा सकते हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा है, तो हम ज्यादा फ्रेंच नॉट भी लगा सकते हैं। पहले हमने सीखा चेन्ड फ्रेंच नॉट, अब हम चेन स्टिच विद फ्रेंच नॉट। इसमें हम चेन स्टिच पहले बनाएंगे। ये देखें सबसे पहले हम लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे और इसकी टकिंग जो है वो हम डबल रैप के साथ इसके बाहर यूं करेंगे। छोटी छोटी सी वेरिएशंस हैं लेकिन जो लुक है फ्लावर की वो डिफरेंट हो जाती है।
सबसे पहले हम चेन स्टिच करते हैं और फिर उसके बाद हम टकिंग के लिए फ्रेंच नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इसकी लुक और इस फ्लावर की लुक बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छलाबर्क से छोटे फ्लावर्स भी बहुत सुंदर बनते हैं। अब हम एक और स्टिच सीखेंगे जिसे पोलन नॉट स्टिच बोलते हैं, वो भी फ्रेंच नॉट की ही वेरिएशन है। उसको बनाने के लिए हम यूं एक पॉइंट से नीडल को निकालते हैं, यूं फ्रेंच नॉट बनाते हैं, थोड़ी दूरी पे इसको टकिंग करते हैं, ऐसे इसको खींच के रखते हैं थ्रेड को, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाइन बने। सभी पॉइंट पे हम ऐसे ही एक एक पेटल बना लेंगे। इसे पोलन स्टिच बोलते हैं या इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट भी कहते हैं। पहले हम एक कलर के साथ इसको फिल कर लेंगे, इसके बीच में फिर दोबारा से हम एक और कलर के साथ इसको शेड करेंगे, ताकि फ्लावर जो है वो सुंदर दिखाई दे। इसके बीच में हम शेडिंग करेंगे लाइट कलर के साथ। तो अब फिर से हम फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे, अब थोड़ी कुछ दूर कुछ पास, ये देखिए ऐसे, ताकि ये पूरी फ्लावर की लुक आए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोलन नॉट स्टिच से भी कितना अच्छा फ्लावर बनता है। मैंने इसको तीन चार कलर्स के साथ शेडिंग की है, तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत सुंदर आ रहा है। अब मैं आपको एक और नॉट सिखाऊंगी जिसे कोलोनियल नॉट कहते हैं। कोलोनियल नॉट जो है वो देखने में बिल्कुल फ्रेंच नॉट की तरह लगती है, लेकिन उसको वर्क करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कोलोनियल नॉट में हम अपने नीडल को इसके स्टिच के पीछे से ऐसे ऊपर लेते हैं, और ये जो थ्रेड है इससे हम नीडल पे एंटी क्लॉकवाइज रैप लेते हैं, तो ये एक एट जैसी लुक बन जाती है। इसके बिल्कुल पास यहीं पे ही टकिंग कर देते हैं, तो इसको कोलोनियल नॉट बोलते हैं। एक बार फिर से बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से यूं घुमाते हुए ऐसे रैप कर लेते हैं, और ये वाला थ्रेड इसको उठा के इस पे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रैप करते हैं, तो जो एट जैसी लुक बन जाती है। अब ये जो हमारी स्टिच है इसको हम इसके बिल्कुल पास यहाँ पे यूं टकिंग कर देंगे, इस थ्रेड को खींच लेंगे और इसको यूं टकिंग कर देंगे ऐसे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। ऐसे इसको पीछे से ले जाएंगे, फिर इस थ्रेड को हम इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज रैप करेंगे, और रैप करने के बाद हम नीडल को इसके बिल्कुल पास यहाँ पे टकिंग कर देंगे। तो ये फ्रेंच नॉट की तरह ही बनती है, लेकिन बनानी थोड़ी सी टिकलिश है, लेकिन इफेक्ट इसका काफी फ्रेंच नॉट की तरह ही मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप के फ्रेंच नॉट्स बनाने से ये ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर बनके रेडी है। ये जो क्लस्टर है इसको कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने अब ग्रीन कलर के थ्रेड से कुछ स्टेम्स और पेटल्स बनाऊंगी। हम बैक स्टिच से ही ये सारी स्टेम्स बनाएंगे। पीछे से थ्रेड को आगे को ले जाते हैं और यूं वर्क करते हैं। यूं बैक स्टिच करेंगे और हम ये जो फ्रेंच नॉट है इसके दोनों तरफ एक एक डिजी स्टिच बनाएंगे ऐसे। सारे वर्क में हम सिक्स स्ट्रैंड ही यूज कर रहे हैं।
यहां भी हम इसके दोनों तरफ एक एक लेजी स्टिच बनाएंगे। स्टेम्स हम सारी बैक स्टिच के साथ ही फिल कर रहे हैं। बैक स्टिच हम पीछे नीडल को ले जाके आगे की तरफ ले जाते हैं, कोशिश करते हैं स्टिचेस सारे बराबर हों। बस इसी तरीके से हम यहाँ पे इधर जहां पे भी हमें स्पेस मिल रही है हम थोड़े थोड़े ग्रीन कलर डाल देंगे ताकि फ्लावर्स की कंप्लीट लुक आए। फ्रेंड्स, हमने फ्रेंच नॉट की डिफरेंट फॉर्म से कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बना लिया है। इसमें हमने 6 तरह से फ्रेंच नॉट को वर्क करना सीखा है। एक तो हमने सिंपली फ्रेंच नॉट सीखा, उसके बाद हमने रिंग नॉट सीखा जिसे छल्ला वर्क भी बोलते हैं, उसके बाद हमने चेन स्टिच विद फ्रेंच नॉट किया, ये हमने कॉलोनियल नॉट सीखा, इसे हम चेन्ड फ्रेंच नॉट बोलते हैं, इसे हम पोलन स्टिच बोलते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा। आप इन डिफरेंट स्टिचेस को सीखकर अपने प्रोजेक्ट को एक ब्यूटीफुल लुक दे पाएंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।